नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, मैं हूं आदेश पुरी। मानसून का समय चल रहा है, हालांकि शुरुआती समय है, 15-20 दिन हुए बिहार में मानसून आए हुए, लेकिन मानसून का जो बारिश है बिहार के लिए अब कहर बन के टूट रहा है। आपको हम बताएं कि नेपाल के जो तराई इलाके हैं वहां बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, उसका सबसे ज्यादा दबाव बन रहा है बिहार में आने वाली नदियों पर। गंडक नदी की हम बात करेंगे, लगातार जो है बहुत बड़ी मात्रा में वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और इसका प्रभाव अब बगहा और बेतिया शहर पर भी पड़ने लगा है। आपको हम बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में 204 mm बिहार में सबसे अधिक बारिश दर्ज किया गया है पश्चिम चंपारण के चनपटिया में, जो कि बेतिया से कुछ दूरी पर ही है, और दूसरा स्थान आ रहा है बगहा में 180 mm, वहां बारिश हुई है। और इसका असर हुआ है कि विजुअल में आप देखिए, बेतिया जो कलेक्ट्रिएट है, जहां डीएम साहब बैठते हैं, जहां पर जिला के सभी विभाग होते हैं, किस तरह पानी पूरे परिसर में लगा हुआ है। आप सभागार को देखिए, जिसमें कलेक्टर साहब जो है, डीएम साहब बैठकर विभिन्न विभागों के अफसरों के साथ, विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हैं, वहां पानी लगा हुआ। और ये पानी जो है ये गंडक नदी का है। और आपको हम बताएं कि गंडक में कोई ऐसा नहीं है कि पानी जो है वो बारिश के चलते बढ़ा है। बारिश तो कारण है ही, सबसे बड़ा कारण है नेपाल में होने वाली बारिश, क्योंकि जल का जब दबाव बढ़ता है नेपाल पर, ऊंचाई उसका ये है, ढलान बिहार की तरफ है, तो वाल्मीकि नगर बैराज के फाटक खुल जाते हैं और एकाएक पानी आता है। आपको बताया कि पिछले 24 घंटों में लगभग 200 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया जा चुका है नेपाल के द्वारा, और बगहा शहर, फिर से बेतिया शहर, यहां पर गंडक का पानी प्रवेश कर गया है। इसके अलावा हम बताएं आपको, तिरहुत में जो भी प्रमुख नदियां हैं, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, फिर से आपको बताएं कि बागमती है, ये सभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और यही हालत जो है वो मिथिलांचल और सीमांचल की नदियों का भी है, वहां भी सभी नदियां जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो ऐसे में बिहार में मानसून के शुरुआती दिनों में ही बाढ़ का खतरा जो है मंडराने लगा है, और बहुत सारे जिले जो हैं इसके चपेट में आने भी लगे हैं। आपको हम बताते हैं कि बिहार में आने वाले समय में कहां कहां ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, अगले 2-3 दिनों के लिए बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बताएं कि तिरहुत के क्षेत्र, सीमांचल और मिथिलांचल, इन सभी इलाकों के जो जिले हैं उन्हें ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग पटना के अनुसार मानसून की रेखा पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिहार होकर असम तक जा रही है। उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों में यह दिख रहा है कि सूबे के उत्तर पश्चिम भाग में संवहनीय बादल बने हुए हैं। ये बादल कहीं कहीं भारी बारिश के कारक होते हैं। इस वजह से शनिवार को भी उत्तर बिहार और हिमालय की तलहटी से सटे जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना बन रही है। और बता दें कुछ जगहों पर अति भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। वज्रपात की स्थिति को देखते हुए लोगों को सचेत रहने की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं अगर हम बात करें राजधानी की, तो राजधानी समेत दक्षिण बिहार के जिलों में गर्मी और उमस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि गुरुवार को बारिश के बाद से मौसम में कुछ नरमी आई है, लेकिन अब भी लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वही मौसमविदों का कहना है कि पारा चढ़ने की स्थिति में स्थानीय प्रभाव से पटना समेत अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश जैसी स्थिति अभी अगले 1-2 दिनों में नहीं दिख रही है। दिन में धूप और शाम ढलने पर उमस की स्थिति बनी रहेगी। उत्तर बिहार की ओर नमी का प्रवाह होने से बारिश के आसार प्रबल बन रहे हैं। तो आपको बता दें कि मानसून जो है वो शुरुआती से कुछ आगे वाले चरण में है, लेकिन बिहार में काफी मेहरबान है, और मेहरबानी जो है अब कहर बन के टूट रही है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण हम देख रहे हैं बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में, जहां गंडक नदी का पानी बेतिया शहर, बगहा शहर में प्रवेश कर गया है। तो वही आगे आने वाले कुछ समय में अब जो है गोपालगंज और सारण जिले में भी गंडक नदी का जो कहर है, उफान का कहर है, वो देखने को मिल सकता है। तो जरूरत है सावधान रहने की, और सरकार को भी अलर्ट रहने की, और स्थानीय स्तर पर लोगों को भी काफी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि मानसून ज्यादा मेहरबान है और ये मेहरबानी जो है कहर बन के टूटने वाली है।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।